Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 29 दिनों के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण कैसे हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको राजभवन से लाइव, और मंत्री लोग जो हैं वो कैसे मास्क और सैनिटाइजर लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय से अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसी सिलावट, श्री कमल पटेल, श्री गोविंद सिंह राजपूत, सुश्री मीना सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपा अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्यप्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? भाई महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।